मुझे सबके साथ ही मज़ा आता है, बट फिर भी ठीक है आशिका, बिकॉज आशिका के साथ या सीन ज़्यादा होते हैं तो हंसी मजाक ज़्यादा हो जाती है। इस सेट का माहौल डे वन से बहुत पॉजिटिव है, एक फैमिली एक घर की तरह हम सब काम करते हैं। आज रजत ने सबको बिरयानी खिलाई पूरी यूनिट को, सो वो टाइप का एक हमारा एक माहौल है घर का। मैंने बहुत ज़्यादा इसलिए इस शो को उस टाइम का देखा नहीं, इसकी शक्ति का और सब का, लेकिन मुझे बाद में जब मैं इसका हिस्सा बना तो मेरे को दिखा कि उनका कितना प्यार मिल रहा है उनको। नहीं, हम कुछ ज़्यादा सोचते नहीं हैं, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं होती सेट पे की TRP हंसी की टी, बिकॉज़ ये कभी हम ऊपर आ जाते हैं कभी वो ऊपर आ जाते हैं। अगेन अर्श फिर रजत पे हावी पड़ जाएगा, कियान के साथ वो उसको मैनिपुलेट करेगा, उसके खिलाफ भड़काएगा। हेलो गाइस, माय नेम इज अंकित अरोरा और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पे। थैंक यू। अंकित, सबसे पहले तो फिल्मी बीट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल द लव, ऑल द हेट एंड ऑल द क्रिटिसिज्म जो आपको इस कैरेक्टर के लिए मिल रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो, लाइफ कितनी चेंज हुई है जब से गुम है किसी के प्यार में का हिस्सा बने हैं? थैंक यू सो मच। लाइफ तो ऑफकोर्स बदल गई है। एक तो मेरा 2 साल बाद ही कम बैक था, बिकॉज मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके चल रहा था और इतना बड़ा शो मुझे मिला एंड आई एम थैंकफुल टू माई प्रोड्यूसर्स, माई क्रिएटिव टीम्स, चैनल, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास रखा और मुझे इतना खूबसूरत एक किरदार निभाने का मौका दिया। सो जिंदगी सबसे ज़्यादा तो ये होगी कि फॉलोअर्स बढ़ गए। मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल उसमें रहता नहीं हूँ, बट इसके बाद से जो मुझे प्यार, क्योंकि हमें प्यार दिखाने का ज़रिया जो हमारी ऑडियंस होती है वो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इसी पे होता है, तो वहाँ पे मैं देख पाता हूँ, तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने लग गया हूँ। सो एक बदलाव तो ये आया है एंड या अच्छा, चैनल को बहुत एक मुझे जो चैनल से बहुत अप्रिसिएशन मिलता है और ऑडियंस को पसंद आता है, आपके डायरेक्टर्स खुश हैं, प्रोड्यूसर्स खुश हैं, खुद भी खुश हूँ मैं, खुद भी करने में मज़ा आ रहा है। और एज एन एक्टर जब आप अपने काम को एंजॉय करते हो, उसको करते हो, आपको अच्छा लगता है तो मज़ा आता है। तो ये सारे चेंजेस 2 साल बाद लाइफ में आए हैं, सो मज़ा आ रहा है। मैं उसको भी एक, मैं अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, भले मैं नेगेटिव प्ले करता हूँ। सो मैं हर चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ और अगर कहीं कुछ ऑडियंस या कुछ फैंस जो होते हैं कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख देते हैं या बोल देते हैं तो वो भी मैं उनकी मोहब्बत ही समझता हूँ, क्योंकि वो भी किरदार से बहुत मोहब्बत करते हैं। सो जब वो किरदार से अपनापन हो जाता है तो ऑफकोर्स किसी के बारे में उन, अगर कोई उनकी ज़िंदगी को परेशान करता है उनकी ज़िंदगी में आके, तो ऑफकोर्स उनको बुरा लगता है, तो वो भी एक फैमिली मेम्बर है। तो मैं उनको कभी कभी ऐसे ऐसे मेरे पास आते हैं कॉमेंट्स में देखता हूँ, सुनता हूँ, तो खुश हंसी आ जाती है कभी, बट मैं उसको बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ और अच्छा लगता है कि सब किरदारों को यू नो सबकी एक फैन फॉलोइंग है और हर किरदार को लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को बहुत अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और हंसी खुशी उसको निकाल देता हूँ। मेरे को सबके साथ मज़ा आता है, मेरे को तो सही के साथ भी बहुत मज़ा आता है, मुझे कियान के साथ भी बहुत मज़ा आता है, मुझे रजत के साथ भी अच्छा लगता है, आशिका के साथ भी अच्छा लगता है, भाग्यश्री मैम। क्या होता है कि सबके अपने अपने किरदार अलग अलग हैं, सबकी पर्सनैलिटी अलग है, एज ए ह्यूमन बींग सब हर कोई अलग अलग है, तो सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है मुझे। और बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो होते हैं वो एक्टिंग नहीं करते, वो बहुत वो नेचुरल करते हैं जो चीज़ करते हैं, क्योंकि उनको कुछ सिखाया नहीं जा सकता, तो मैं उनसे बहुत सीखता हूँ कि वो काम किस तरीके से करते हैं। हम कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ा सा यू नो एक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत नेचुरली चीज़ों को करते हैं, तो मैं उनसे भी सीखता हूँ। और जो मेरे से सीनियर हैं उनसे मैं पर्सनली यू नो सेट पे कैसे बिहेव करते हैं वो मेरा मानना है कि इंडस्ट्री में तो आपको फिर भी एक बार काम मिल जाएगा,
लेकिन इतने साल तक सस्टेन कर रहना, काम करते रहना, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी एक चैलेंज है। सो मैं वो भी सीखता हूँ कि सीनियर्स लोग कैसे हर चीज़ को इतने सालों से मेंटेन करके चल रहे हैं, सो दैट वो आज तक काम कर रहे हैं, यू नो इंडस्ट्री में कैसे कैसे क्या क्या हो जाता है। सो मैं उस चीज़ को भी सीखता हूँ, अपने को एक्टर से भी सीखता हूँ, उनके काम करने के तरीके को भी सीखता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि उसको मैं अपनी ज़िंदगी में, अपने क्राफ्ट में भी लेकर आऊँ, तो मज़ा आता है सबके साथ ही। मुझे सबके साथ ही मजा आता है, बट फिर भी ठीक है आशिका, बिकॉज आशिका के साथ या सीन ज्यादा होते हैं तो हंसी मजाक ज्यादा हो जाती है, और हंसी और हम सीन में का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते अपने ऊपर, हंसी मजाक करके काम कर लेते हैं, सो उसके साथ एक अलग बॉन्ड है मेरा। You know, there are lot of prominent actors and इस शो की खास बात ये है कि हर किरदार बहुत उठ के आता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, एंड देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस जहां पे यू नो वी हैव हर्ड ऑफ स्टोरीज, बहुत सारे टेलीविजन और लेट्स से जस्ट अ शूटिंग सेट जहां पे ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, इनसिक्योरिटीज क्रॉप अप हो जाती है एज टाइम पासेस बाय, इस सेट का माहौल कैसा है और अगर पॉजिटिव है तो किस तरह से पॉजिटिविटी रहती है? इस सेट का माहौल डे वन से बहुत पॉजिटिव है, एक फैमिली, एक घर की तरह हम सब काम करते हैं। आज रजत ने सबको बिरयानी खिलाई पूरी यूनिट को, सो वो टाइप का एक हमारा एक माहौल है घर का, घर जैसा है, लगता ही नहीं हम बाहर हैं। और जैसे आज रजत ने आज बिरयानी सबके लिए पूरी यूनिट को करे, सो एक यू नो सबको साथ बैठने का मौका मिल गया, हम हंसते खेलते काम करते हैं, किसी में कोई ईगो नहीं है और सबको स्पेस भी देते हैं, यू नो ऐसा नहीं कि खाली बैठे तो किसी के रूम में बैठे हुए हैं, सबको एक स्पेस भी देते हैं, सबकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो हम इतना बड़ा शो का हिस्सा है, और इतना बड़ा शो जब मैं बोल रहा हूँ तो शो बड़े ऐसे अपने आप ही नहीं होते, जब ये सारी चीज़ें पॉजिटिव लोग शो से जुड़ते हैं, पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, तो चीज़ें अपने आप ही पॉजिटिव होने लग जाती हैं, तो सब लोग बहुत प्यार हैं, मतलब मैं एक्टर्स ही नहीं बोलूँगा, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, जो हमारे स्पॉट दादा हैं, सब लोग बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे इंसान है, सबके साथ मजा आता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन यू गॉट टू नो दैट आप वो में किसी के प्यार में हिस्सा बनने वाले हैं, ऑफ कोर्स आपकी कास्ट से पहले शक्ति अरोरा वाज द वन जिनके कंधे पे कहीं ना कहीं ये पूरा शो था, एंड जब एक पूरी नई कास्ट आई, वर यू ऑलवेज कॉन्फिडेंट कि प्यार मिलेगा इवेंचुअली, या स्टार्टिंग में थोड़ा यू नो दिमाग में चल रहा था? मुझे ये सब फ्रेंकली बताऊं तो सोचने का टाइम मिला नहीं, बिकॉज मैंने बहुत कट टू कट इस शो को साइन किया था, एंड मुझे हार्डली 2-4 दिन मिले और मैं सेट पे था, और जैसे कि मैंने बोला मैं लास्ट 2 साल स्क्रीन से थोड़ा सा नदारत था, बट मैंने बहुत ज़्यादा इसलिए इस शो को उस टाइम का देखा नहीं, इसकी शक्ति का और सब का, लेकिन मुझे बाद में जब मैं इसका हिस्सा बना तो मेरे को दिखा कि उनका कितना प्यार मिल रहा है उनको, कितना प्यार दिया है लोगों ने उनको, एंड इस चीज़ का बर्डन लेके, बैगेज लेके मैं नहीं आया था शो पे, मेरे को एक किरदार मिला था और मैंने सोचा था इसको कोशिश करूँगा कि एक अच्छे से निभाने की, और मेरा पूरा फोकस उसी पे था, एंड टच वुड मतलब सब कुछ अच्छा हुआ और खूब सारा प्यार मिल रहा है। You know, अगर हम डीआरपी की बात करें, definitely the show has been constantly in top 3 and definitely in top 5. आपका शो हमेशा ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जब constantly पैच होता है, because if you are number 2, they are number 3, they are number 2, you are number 3. So ये टीआरपी को लेके you know कितना as an actor कितना ज़्यादा सोचते हो आप? नहीं, हम कुछ ज़्यादा सोचते नहीं हैं। इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं होती सेट पे कि टीआरपी ऐसी होगी, बिकॉज ये कभी हम ऊपर आ जाते हैं, कभी वो ऊपर आ जाते हैं, तो ये एक हेल्दी कंपटीशन होना भी चाहिए, और हम एक ही यू नो फैमिली के मेंबर हैं स्टार प्लस, सो आपस में थोड़ा बहुत होता रहता है बट निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, कभी वो आगे आ जाते हैं जैसे आपने बोला, कभी हम आगे आ जाते हैं, बट टॉप 5 में वो बहुत बड़ी चीज़ है आज के टाइम पर, जहाँ पे यू नो शोज़ कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, तो वो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, सो हम तब भी उसमें हैं, और हम हैं या ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें मेरा फ्रेंड ही है रोहित, सो सब मेहनत करते हैं और
सबकी जो एक ख्वाहिश होती है यही होती कि हम वो सर्वाइव करें जैसा हम चल रहे हैं, तो ऐसा कोई बर्डन नहीं है हमारे ऊपर कि वो टीआरपी कैसे होगी अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा सीन गुम है किसी के प्यार में? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 90% तो सारे सीन्स अच्छे ही मिले, खूबसूरत तरीके से लिखे हुए सीन्स हैं, और बट जब रजत के साथ मेरी टशनबाजी होती है वो थोड़ा सा गिव एंड टेक हमारा अच्छा होता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज करते हैं। सो जब मेरी एंट्री हुई थी सो वो भी बहुत अच्छा सीन था, एंड फिर डांडिया ये दही हांडी हमने किया था वो भी अच्छा था, तो कभी वो मेरे पे हावी हो जाता है कभी मैं उस पे हावी हो जाता, मतलब कैरेक्टर या तो अर्श हावी हो जाता है या रजत कभी हावी हो जाता है। सो या वो थोड़े से अच्छे सीन्स लिख कर आए, एंट्री बहुत अच्छी हुई थी मेरी। तो अपकमिंग ट्रैक पीपल कैन एक्सपेक्ट करें इस शो से, आगे के ट्रैक से एनीथिंग विच विल अलाउ टू से मुझे कैन से? सी मैं हम लोग वैसे बहुत कट टू कट चल रहे हैं, मतलब आप जो मैंने अभी शूट किया है वो आई थिंक संडे आएगा, सो वहीं तक का हमें पता है। अभी गरबा डांस है वहाँ पर, अगेन अर्श फिर रजत पे हावी पड़ जाएगा, कियान के साथ वो उसको मैनिपुलेट करेगा, उसके खिलाफ भड़काएगा, तो कहानी में बहुत कुछ है एंड मज़ा आएगा, हम भी देखते हैं करते हैं, हमें मज़ा आता है करते हुए देखते हुए, तो यही ट्रैक चल रहा है अभी तो कियान एंड हम सबका।